नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेडिटेशन के मिरेकल जैसे फ़ायदे, कई लोगों ने मुझे बोला कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं। मेडिटेशन से अनलिमिटेड बेनिफिट होते हैं, इस पर अगर किताब लिखें तो बहुत मोटी सी किताब तैयार हो जाएगी। मेरे एक मेडिटेशन के ग्रुप में, जहाँ मुंबई में मेडिटेशन सिखाता था, वहाँ पर एक हुसैन भाई है, उन्होंने हमारे ग्रुप में एक पोस्ट डाली और मेडिटेशन के 100 फ़ायदे करके बहुत अच्छी पोस्ट थी, तो मैंने उसे भी पढ़ा। और उसको पढ़कर और अपने अनुभव से और तमाम लोगों के फीडबैक से मैं मेडिटेशन के फ़ायदों की पूरी सीरीज ही तैयार करूँगा, तो इसका पार्ट वन है ऐसा समझिए आप, और इसे देखिएगा और इससे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊँगा मेडिटेशन से। जो सबसे अच्छे फ़ायदे हैं वो ये है कि मेडिटेशन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को, जो उसकी खपत है उसको कम कर देता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम होता है। उसकी वजह क्या है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है, अपने आप ही ब्रीथ कम आने लगती है, क्योंकि मन से अनियंत्रित विचार गायब हो जाते हैं, बहुत ही कम विचार आते हैं मन में, तो आपकी ब्रीथ स्लो डाउन होती है, तो ऑक्सीजन की कम ज़रूरत होती है। कम ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी उस कम ऑक्सीजन से भी अपने आप को बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाती है, अदरवाइज़ हमें ऑक्सीजन का एक बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है। अब लोगों की बहुत सारी इनर एक्टिविटी बंद हो जाती है मेडिटेशन के माध्यम से, तो बहुत ही कम ऑक्सीजन में भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रह सकते हो। ये पहला फ़ायदा मेडिटेशन का। दूसरा फ़ायदा क्या है कि ब्रीदिंग रेट आपका डिक्रीज़ होता है। मृत्यु का मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा सांस की रफ्तार बढ़ जाना, एक मिनट में 20-25 बार ब्रीद लेना, है ना। जो व्यक्ति या जो जानवर बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उनकी लाइफ स्पैन उतनी ही कम होती है। कछुआ बहुत ही थोड़ी ब्रीद लेता है, एक मिनट में 2-3 मिनट में एक ब्रीद लेता है, उसका लाइफ स्पैन अच्छा रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका ब्रीदिंग रेट बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो जबरदस्ती नहीं करना है कि अब सर ने बता दिया कि ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, जबरदस्ती मेडिटेशन में कम ब्रीद ले रहे, नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना लो, ऑटोमेटिक कम होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो देखकर मिसगाइड मत हो जाना, जबरदस्ती मत करना, अपने आप ही ब्रीदिंग कम हो जाएगी आपकी और आप एक अच्छी फ्रेशनेस, अच्छी हेल्थ, स्ट्रेसलेस, टेंशन लेस अपने आप को महसूस कर सकोगे। मेडिटेशन से तीसरा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होने लगता है। उसकी वजह क्या है, विचारों का बहुत सारा दबाव हमारे नर्वस सिस्टम पर रहता है। ये जो माइंड है ना, बोलते हैं ना, सर पर बोझा लेकर घूम रहे, इसमें बहुत सारी चिंता, थकान, स्ट्रेस भरी रहती है। इसके बहुत सारे प्रेशर होने की वजह से नर्वस सिस्टम पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है। उस प्रेस्ड नर्वस सिस्टम की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ब्लड का फ्लो बॉडी को ठीक से मिल ही नहीं पाता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हो, नस नाड़ियाँ अपने आप खुलने लगती हैं, उन्मुख होने लगती हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और आप देखोगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होने लगा। ये एक बड़ा बेनिफिट हमें मेडिटेशन से होता है। चौथा जो बेनिफिट बताया है कि इससे शरीर के विश्राम की दर बढ़ जाती है, बहुत डीप लेवल पर आप रिलैक्सेशन में चले जाते हो, अदरवाइज हम रिलैक्सेशन कर ही नहीं पाते हैं। खाली भी बैठे हैं तो भी सोचते रहते हैं, उलझन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बिस्तर पर भी लेटते हैं तो हजारों विचार आकर घेर लेते हैं, रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाता। जिस रिलैक्सेशन को हम चाहते थे वो नहीं हो पाता। जब तक आप डीप रिलैक्सेशन में नहीं जाओगे तब तक आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। डीप रिलैक्सेशन में मेडिटेशन ले जाता है। डीप रिलैक्सेशन में जाते ही साथ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगती हैं, आपकी बीमारियां कम होने लगती हैं, आपकी उलझनें मिटने लगती हैं, आपकी ज़िंदगी की बाहर की समस्याएं खत्म होने लगती हैं। डीप रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन जैसे इस दुनिया में, इस संसार में, इस प्लैनेट पर और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं, ना कोई दवा बनी आज तक, ना कोई थेरेपी। पांचवा जो बेनिफिट मेडिटेशन से बहुत अच्छा है वो ये है कि जो मांसपेशियों में जो तनाव होता है, मसल्स में जो तनाव होता है, टेंशन होता है, वो इससे कम और ख़त्म हो जाता है। हमारी मसल्स ग्रो कब करती हैं, जब वो टेंशन लेस रहती हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो ना, तो वहाँ बॉडी नहीं बनती है। एक्सरसाइज करने के बाद जो डीप रिलैक्सेशन मिलता है आपको, जो डीप स्लीप लेते हो आप, उस समय मसल्स ग्रो करती है आपकी।
तो जब आप रेस्टफुल होते हो तो क्या होता है, मसल्स को बहुत विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब आपको मैंने ये 5 बेनिफिट बताए, हर मेडिटेशन में के वीडियो में मैं 5 ही 5 बेनिफिट बताऊँगा क्योंकि ये लंबा बहुत हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे जब इतने फ़ायदे तो करना कैसे मेडिटेशन, मेडिटेशन एक बहुत गहरी समझ है। इसको समझने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, कैसे मेडिटेशन करना है मैंने न जाने कितने वीडियो में सिखाया। उसको समझो, आप उसको करो और इन बेशुमार फ़ायदों को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करो। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते होंगे, तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर लाभ उठाइए और अपनी लाइफ को बदल डालिए, शुरुआत कीजिए। अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो थम्स अप बटन दबाकर लाइक कीजिए। चमत्कार जैसे फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन से, इसमें कोई शक नहीं, जब आप करेंगे तो जानेंगे। बहुत सारे अनुभव भी शेयर करूंगा मैं आने वाले वीडियोस में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बेशकीमती समय देते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए।